और ये लीजिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लाजवाब हमारी बनके रेडी है और ये बहुत ही डिलीशियस बनी हुई है। आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुनमुन की रसोई। आज हम मुनमुन की रसोई में बनाने जा रहे हैं पनीर लाजवाब। जी हाँ गाइस, आज हम पनीर लाजवाब बनाएंगे। अक्सर हम रेस्टोरेंट में ये पनीर ऑर्डर करते हैं और बिल्कुल आज रेस्टोरेंट से भी बहुत अच्छी पनीर बनाएंगे और बिना लहसुन और प्याज के बनाएंगे। तो चलिए आइए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर ले लिया है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 टमाटर हैं, 1 इंच अदरक और 3 हरी मिर्च। तो चलिए सबसे पहले हम टमाटो को कट कर लेंगे। ये इसका यहाँ पीछे का ये सब कॉर्नर निकाल देंगे और इसको हम फटाफट से रफली चॉप कर लें। और ये देखिए टमाटर को कट कर लिया है, इसी में अदरक को भी कद्दूकस कर सकते हैं या छोटा छोटा चॉप कर लेंगे और यहाँ पे हरी मिर्च इसको तोड़ के ऐसे डाल देंगे इस पर। ये आइए चलिए पनीर लाजवाब बना लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल, 2 टेबल स्पून मूँगफली का तेल, आप यहाँ पे कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1 चुटकी हींग। और जैसे ही जीरा चटकने लगेगा हम इसमें डाल देंगे चॉप किए हुए अदरक और टमाटर और मिर्च। फ्लेम हम एकदम हाई टू मीडियम करेंगे और इसमें हम डाल देंगे नमक, फिर टमाटो अच्छे से गल जाए 1/2 टेबल स्पून हम इसमें नमक डाल देंगे और इसको मिक्स कर देते हैं। इसी में हम डाल देंगे 10 काजू, 2 टेबल स्पून खरबूजे के बीज, मिक्स कर देंगे, पक जाने देंगे इसको। 1 मिनट हो चुका है, हीट को हटा लेते हैं, एक बार मिक्स कर देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे जिससे ये आसानी से और थोड़ा जल्दी गल जाए। फिर से इसको लीड लगा के कवर कर देते हैं और लमसम 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। लीड को हटा लेते हैं, लमसम 2 मिनट हो चुके हैं, टमाटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं, बस फ्लेम को हम कर देंगे बंद। पनीर को हम चलिए कट कर लेते हैं। पनीर आप का जैसे मन हो वैसे आप इसको कट कर सकते हैं, कट कर लेंगे। पनीर कट कर लिए हैं, पनीर को एक साइड में कर देते हैं और चलिए टमाटर ठंडे हो चुके हैं, अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसको ग्राइंड कर लेते हैं, कढ़ाई चढ़ा लेते हैं और कढ़ाई में हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, इसको थोड़ा गर्म हो जाने देंगे। फ्लेम हम हाई टू मीडियम कर देंगे। 1 तेज पत्ता डाल देते हैं, 1 इंच दालचीनी, ये इलायची के 4 छिलके हैं उसको डाल देंगे, 3 लौंग और 5 काली मिर्च, गर्म हो जाने देंगे इसको। जब तक तड़के चटक रहे हैं तब तक हम इसमें कुछ गरम मसाले निकाल लेते हैं। 2 पिंच हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। चलिए अब गरम हो चुकी है, बस सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और इसी में हम डाल देंगे ये मसाले और थोड़ा सा पानी, ये बिल्कुल गले नहीं, फ्लेम एकदम लो रहेगा और फटाक से हम डाल देंगे अपने ग्रेवी जो हमने पीस के रखी है, मिक्स कर देंगे। और जो जार में लगा हुआ है मसाला पानी डाल के हम वो भी डाल लेते हैं इसमें, और ये मसाले भी डाल लेंगे इसमें, मिक्स कर देंगे और इसको कुक होने देंगे। फ्लेम हाई टू मीडियम रहेगा, इसी में हम थोड़ी सी डाल देंगे कस्तूरी मेथी लमसम 1 टेबल स्पून और इसको कर देंगे मिक्स इसको और इसको कुक होने देंगे। 2 मिनट हो चुका है, कवर को हटा लेते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, इसमें हम
थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, मैं यहाँ बिल्कुल ज़रा सा नमक डाल रही हूँ इसमें। और टेस्ट को एनहेंस करने के लिए 1 टेबल स्पून शुगर। शुगर पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप लाइक करें तो डालें, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी सब्जी बनती है ये, इस तरह से आप बनाइए अपने घर में। यहाँ पे मैं आधी बाउल मलाई डाल दे रही हूँ। ये घर की मलाई है, यानी कि दूध से मैंने निकाल ली थी मलाई, वो मलाई है। यहाँ क्रीम मिलती है, आप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट को बढ़ाने के लिए थोड़ी सी पनीर इसमें ग्रेट करेंगे, क्योंकि हम पनीर लाजवाब बना रहे हैं ना, लाजवाब। जब तक पनीर नहीं होगा उसमें तो लाजवाब बनेगी कैसे। तो ग्रेट करके हम ढेर सारे इसमें पनीर डाल देंगे। अगर बाउल से कहें तो जो छोटे वाले बाउल होते हैं, यानी कि जिससे मैंने अभी मलाई ली थी, आप उससे भी आधी कटोरी यहाँ पे ग्रेट करके डाल सकते हैं, या 2 स्पून भी इनफ है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। यहाँ पे मैं थोड़ी सी धनिया डाल दूँगी ऊपर से। कुछ देर और कुक कर लेते हैं। ग्रेवी को कुक होते हुए यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी गाढ़ी हुई है और बहुत ही प्यारा कलर भी आया है इसमें। इसी में हम पनीर को डाल देंगे, मिक्स कर देंगे, लीड को कवर कर देते हैं, और इसको कवर करके हम पका लेंगे। और यहाँ पे 2 मिनट हो चुका है कुक होते हुए, लीड को हटा लेंगे, मिक्स कर लेंगे। बस इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला 1 टेबल स्पून, और लीड को हम कर देंगे बंद, और हमारी पनीर लाजवाब बन के रेडी है। इस पे धनिया डाल देते हैं, मिक्स कर देंगे और सर्व करते हैं। चलिए पनीर निकाल लेते हैं, और ये लीजिए पनीर बन के रेडी है हमारी। अब इसको हम कुछ धनिया की पत्ती से गार्निश करेंगे। यहाँ पे हम कुछ पनीर ग्रेट कर देंगे, और ये लीजिए पनीर लाजवाब बन के रेडी है। और ये बहुत ही डिलीशियस बनी हुई है, सुपर टेस्टी और यम है। आप अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने घर में पनीर लाजवाब ट्राई की तो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।